हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे एक नई हॉरर स्टोरी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस स्टोरी को शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए कहानी को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी ऐसी घटना है कि एक बार मैं अपने 4 खास दोस्तों के साथ मनाली नाम की जगह से पंजाब की राजधानी छत्तीसगढ़ को जा रहा था। ऑनलाइन का इस्तेमाल करके एक अच्छे से होटल को हमने अपने लिए रिजर्व कर लिया था। हम सभी लोगों ने यह फैसला किया था कि हम रात के समय में शांत माहौल में गाड़ी चलाकर वहां पर जाएंगे, जिससे सुबह सुबह ही हम होटल में चेक इन कर लेते हैं। लगभग रात के करीब 3 बजे होंगे, हम लोग चंडीगढ़ की सीमा के पास पहुंच जाते हैं। जिस रास्ते से हम लोग गुजर रहे थे, उस रास्ते में एक छोटी सी पहाड़ी पड़ती थी। अब हम इसी पहाड़ी पर गाड़ी को चलाते हुए जा रहे थे। इस पहाड़ी में रास्ता एलान के साथ साथ घटक रूप से मुड़ावदार है। एकाएक हम सब ने देखा कि सफ़ेद कोरोला एक्टिक्स सड़क के किनारे पर खड़ी हुई थी और उस गाड़ी की पार्किंग लाइट और ब्लिंक चालू थी। उस गाड़ी के बाजू में एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई थी। उसने एक खूबसूरत सा गुलाबी टॉप और जीन्स का कपड़ा पहना हुआ था और वो हमारी गाड़ी देखकर हमें लिफ्ट के लिए इशारा करने लगती है। यह देखकर हम सभी दोस्त के बीच चर्चा होने लगती है कि हमें उस लड़की को लिफ्ट देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। क्या हमें उस लड़की की मदद करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। हम 4 में से 3 लोग उस लड़की की मदद करने के पक्ष में थे और एक ना जानने की चाहता था कि उस लड़की को इतनी रात में मदद नहीं किया जाए। यह एक धोखा है या फिर चालबाजी भी हो सकती है जो लड़की की मदद के विरोध में हो सकता है। वह कह रहा था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ हो सकता है और हम सबको इस झमेले में नहीं फंसना चाहिए। मेरे दोस्त ने उस लड़की के पास गाड़ी को धीम कर दिया और गाड़ी की खिड़की को नीचे कर लिए। उसी समय दूसरे दोस्त ने तेज़ आवाज़ में कहा, भाई गाड़ी क्यों रोक रहे हो, कुछ गलत हो सकता है, इसलिए यहाँ से चुपचाप आगे बढ़े चलो। इसलिए बिल कुछ भी लड़की देकर मदद के लिए मत पिघलो। उसकी आवाज़ सुनकर ड्राइव कर रहे दोस्त ने गाड़ी की स्पीड को फिर से बढ़ाने लगा और लड़की की मदद का मन ना करने का कर लिया। लेकिन जैसे ही हम उस लड़की के सामने से गाड़ी को निकाल रहे थे, तभी गाड़ी में एक कड़कदार खुशबू फैल आने लगी। शायद यह खुशबू उस लड़की के सेट से डियो ही आ रही होगी जो उसने अपने ऊपर छिड़का होगा। रीवा में लिफ्ट का एक भूत और मैं, हम लोग उस लड़की को पीछे छोड़कर लगभग 3 से 4 किलोमीटर आगे आ गए होंगे। तो कर में हमें चारों दोस्तों के बीच उस लड़की को लेकर फिर से बातचीत शुरू हो जाती है कि हम सबको हिम्मत करके उस लड़की की मदद करनी चाहिए थी। क्या पता सच में वह किसी परेशानी में घिरी होगी, इसलिए हमें उसने हमसे इतनी रात में मदद मांगी है और हम सब ने उसकी मदद भी नहीं की है और ऐसे ही उसको अकेले छोड़कर चले आए हैं। तभी कार ड्राइव कर रहे दोस्त का मन बदलने लगता है और वह कार को यू टर्न लेने की बात करने लगता है। तभी हमने देखा कि सामने कुछ दूर एक कार खड़ी हुई है और यह कार वही कार है जो कुछ देर पहले हमें पीछे दिखी हुई थी। उस कार के बगल में वही लड़की खड़ी है जिसने वही गुलाबी टॉप और जीन्स का कपड़ा पहना हुआ था और वह हाथों से
इशारा करके लिफ्ट मांग रही थी। यह देखकर हम सब डर जाते हैं और हम सबके चेहरे पर एकदम सफ़ेद होकर पसीना आने लगता है। मेरा दिल तो ज़ोरों से धड़कने लगता है। हमने गाड़ी की तरफ देखा भी नहीं और जल्दी से उस लड़की को पार कर लिया। कार में से फिर से वही महक फैल गई जो पीछे भी एक बार कार के अंदर फैल चुकी थी। इस बार हम सब शांत थे और बहुत दूर आने के बाद भी एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे। हमने उस लड़की को आने वाले 20 किलोमीटर में 7 बार गाड़ी को क्रॉस किया। अंत में हमने चंडीगढ़ में प्रवेश किया और सबसे पहले मिलने वाले ढाबे के गाड़ी को रोका और सब से डरे हुए थे। हम सब ने उससे पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है। सभी ने ठंडे पानी से अपना चेहरा को धोया। तभी उस ढाबे में रुके हुए एक ट्रक ड्राइवर ने हमसे हमारे परेशानी का कारण पूछा तो हमने बिना संकोच किए हुए उस ट्रक ड्राइवर को सारी बात बता दी। तब उस ट्रक ड्राइवर ने हमें एक अखबार का टुकड़ा दिया जिसमें एक खबर छपी हुई थी कि एक दिल्ली की 21 साल की महिला का उसी पहाड़ी में एक्सीडेंट हो गया था और उस लड़की की कार चट्टान के नीचे खाई में जा गिरी थी। और अखबार में जिस गाड़ी का जिक्र हुआ था वह गाड़ी वही थी जो हम पूरे रात 8 बार देख चुके थे और लड़की का पहनावा भी पेपर में वही छपा हुआ था जो हमें पूरी रात देखने को मिला था। हम सब डर गए थे। जब हम वापस चंडीगढ़ से मनाली जा रहे तो इस बार हमने दिन का सफ़र चुना और अब कभी भी हम लोग रात में सफ़र नहीं करते हैं। अगर दोस्तों यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके आप सभी लोग जय बजरंगबली ज़रूर लिख देना इस कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं।